नमस्कार, मैं दक्षा सावलिया एसएस के इंडिया सेंटर नासिक से। जब खाने की बात आए तो सबको टेस्टी खाना पसंद रहता है, और जब चटनी की बात आए तो हमारे सामने अनेकों विकल्प बिखरते हुए अनेकों रंग आ जाते हैं, जैसे कि ग्रीन, रेड, व्हाइट, और साथ में हमें खट्टा, मीठा, तीखा टेस्ट आने लगता है। चटनी वो खाने का स्वाद बढ़ा देती है, और चटनी की बात आए तो मुंह में पानी आ ही जाता है, और चटनी के साथ अनेकों वेराइटी भी हमें याद आने लगती है। उबाऊ खाने को भी अच्छा रूप देती है चटनी, वो टेस्टी खाना बना देती है। उसके कारण क्या होता है, खाने में हमारी रुचि भी बढ़ती है और भूख भी बढ़ा देती है। जितना खाना खाना होता है उनसे ज्यादा ही खिला देती है, वैसी नटखट सी होती है। तो आज हम दो रेड चटनी बनाने वाले हैं, तो आइए अब हम बनाते हैं चटनी। आइए हम पहले खजूर की मीठी चटनी बनाते हैं। खजूर की चटनी बनाने के लिए पहले हम जार में खजूर डालेंगे। खजूर के मैंने 10 से 12 पीस लिए हुए हैं। ये नरम वाला खजूर मैंने लिया है, तो इसको मैंने भिगोया हुआ नहीं है। अगर आपके पास कड़क खजूर है तो आपको इसको 2 से 3 घंटे तक भिगो देना चाहिए। मैं खट्टापन थोड़ा सा लाने के लिए आधा नींबू डालूंगी, क्योंकि हमें थोड़ी मीठी बनानी है, बहुत खट्टी नहीं करनी है। नमक मैं 1/2 चम्मच ले रही हूँ, एक चुटकी भर ले रही हूँ काला नमक। ये टेस्ट के लिए थोड़ा बड़े ना, इसी के लिए यूज करती हूँ, और उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगे तो आप यूज करो, वरना इसको छोड़ सकते हैं। धनिया जीरा पाउडर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, इससे टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है मीठी चटनी का, और थोड़ा सा हल्का सा तीखापन आए उसके लिए मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसमें पानी डालेंगे, अभी इनको घुमा लेंगे। अभी चटनी बन गई। अब ये चटनी एकदम रेडी हो गई है, जैसे हमें चाहिए थी वैसे ही बन गई है। एकदम पतली भी नहीं और एकदम गाढ़ी भी नहीं। दूसरी टमाटर की चटपटी चटनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के टमाटर, जिसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। छोटा सा प्याज लिया है, एकदम छोटा सा है। अगर जैन है या प्याज नहीं खाते तो इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लहसुन लिया है मैंने 5 कलियां है। अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1/2 चम्मच। एक मिर्ची, आपको जितना तीखापन चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, काला नमक है चुटकी भर, यानी कि थोड़ा सा ही टेस्ट आए उतना ही लेना है। काली मिर्च पाउडर है, इनसे टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है, तो मिर्ची तो डालिए लेकिन टेस्ट के लिए थोड़ा सा डाल रही हूँ। अभी इसमें एकदम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और अभी इनको पिक करके घुमाएंगे। ये चटनी रेडी है। देखिए मस्त बनी है, बहुत गाढ़ी भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं, और स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत पके हुए टमाटर नहीं थे इसलिए एकदम रेड नहीं बनी।
ये दोनों चटनियाँ अभी हमारी रेडी है। ये चटनी आपको खाने में किन के साथ यूज करनी है, ज्यादातर लोगों के सवाल रहते हैं। जैसे कि आप कच्चा हुआ खाना खाते हैं तो उसमें आप रो फूड के साथ आप कैसे खा सकते हैं, जैसे कि स्प्राउट भेल बना रहे हैं तो उसमें डाल करके खा सकते हैं, आप ककड़ी टमाटर के साथ खा सकते हैं, और आपके खाने में कोई भी ऐसा शामिल है जिनके साथ चटनी अच्छी लगती है तो अपना सूझबूझ से इसका आप यूज कर सकते हैं। ये चटनी खजूर की ये मीठी बनी है, और ये जो हमने टमाटर की चटनी बनाई है इनमें हमें लहसुन प्याज यूज किया है। अगर आप नहीं खाते तो इनको छोड़ करके आप चटनी बना सकते हैं। मीठी चटनी और तीखी चटनी दोनों ही बहुत खाना टेस्टी बना देती है, आपके खाने में रुचि बढ़ाती है, खाने को आपको ललचाती है। तो आप क्या लगता है, किसी किसी को भूख नहीं लगती है और कम खाना जाता है तो उनको खाना अच्छे से खा सकेंगे, ज्यादा जैसे भूख लगती है उससे भी थोड़ा ज्यादा खाना आप खा सकेंगे। आपको हमारी चटनी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे वीडियो में कमेंट्स करते हैं या दूसरे लोगों को भेजते हैं, शेयर करते हैं और हमें लाइक करते हैं वीडियो को, तो हमें लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कृपया हमें कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूले, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले, ताकि बाकी लोगों को हेल्थी की रेसिपी मिले और स्वास्थ्य उनका भी अच्छा रहे। तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।